साइबर क्राइम। राहुल एक मध्यवर्गीय परिवार से है। वो अपने माँ पिताजी और बीवी बच्चों के साथ रहता है। वो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। एक दिन राहुल अपने घर पे अखबार पढ़ रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो सर, मैं SBI बैंक से सीमा बात कर रही हूँ। हाँ जी बताइए। सर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो उसे रिन्यू करने के लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बताइए। सर अपने डेबिट कार्ड के 16 अंक बताइए। राहुल अपना डेबिट कार्ड निकालता है और 16 अंक बता देता है। सर अभी आपके मोबाइल पे एक 6 अंकों का OTP आया होगा। राहुल उसे 6 अंकों का OTP बता देता है। सर आपका कार्ड रिन्यू हो गया है, SMS द्वारा आपको कंफर्म किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद राहुल को मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए डेबिट हुए हैं। राहुल एकदम से परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने बैंक फोन करता है, मगर कुछ हल नहीं निकलता। तभी राहुल अपने दोस्त राज को फोन करता है, जो कि साइबर क्राइम ब्रांच में नौकरी करता है, और राम टी स्टॉल में मिलने के लिए बुलाता है। राहुल राम टी स्टॉल पे इधर से उधर परेशान घूम रहा होता है, तभी राज वहाँ पहुँच जाता है। राहुल क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने अपना डेबिट कार्ड कहीं भी यूज नहीं किया, मगर मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। बस एक फोन आया था बैंक से कार्ड रिन्यू के लिए। फोन आया था? मुझे पूरी बात बताओ। राहुल राज को पूरी घटना बताता है। ओह माय गॉड, राहुल तुम फिशिंग का शिकार हुए हो। वो कोई बैंक से कॉल नहीं आया था, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिशिंग? ये क्या होता है? और मेरे पैसे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। तुम मुझे वो नंबर दो और तुरंत पास के थाने जाके रिपोर्ट लिखवाओ और अपने बैंक में बता दो, बाकी मैं देखता हूँ। दोनों वहां से निकलते हैं। राहुल पास के एक थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। दूसरी तरफ राज अपने ऑफिस जाता है और पूरा केस अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। राज उस नंबर को सर्वेलेंस पे ट्रैकिंग पे लगा देता है। थोड़ी देर बाद नंबर झारखंड के किसी गांव में ट्रैक होता है। सर नंबर ट्रैक हो गया है, लोकेशन सेम है, पहले जो केस ऐसे आए थे लोकेशन यही ट्रैक हुई थी। गुड जॉब, लगता है वहाँ कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। राहुल तुरंत झारखंड के लिए निकलता है। राहुल वहां कुछ लोगों से पूछताछ करता है, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो गांव के थाने पहुंचता है और थानेदार से मिलता है। थानेदार जी, मैं राहुल, साइबर क्राइम ब्रांच से। कई ऑफिसर, आपका यहां कैसे आना हुआ? राज थानेदार को सारा केस बताता है। ऑफिसर, पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आए, मगर कुछ पता नहीं लगा पाए। हमने बहुत कोशिश करी, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। आपको पिछले एक साल में यहाँ कोई बदलाव लगा? कुछ अजीब जो पहले नहीं हुआ हो? कुछ भी? ऐसा तो कुछ खास नहीं, मगर क्या मगर? पहले यहाँ कुछ लोग जो कच्चे मकान में रहते थे, उन्होंने अचानक बड़े बड़े पक्के घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, और बस यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि मामला पैसे का है। राज 2-3 दिन उन्हीं घरों में नजर रखता है। वहां क्या क्या हो रहा है सब नोट करता है, और 3 दिन बाद थाने पहुंचता है। आइए ऑफिसर, कुछ पता लगा? कुछ तो अजीब है। मैंने उन सभी घरों पे नजर रखी, सभी घरों से एक ही समय पे कुछ युवा अपने घर से निकलते हैं और एक छत पे मिलते हैं और एक साथ वहां से निकलते हैं। कुछ तो है थानेदार साहब, कुछ तो चल रहा है वहां।
कानून तो सबूत मांगता है ऑफिसर, सबूत भी आ जाएगा। थानेदार जी, कल हम वहां जाएंगे और छुप कर देखेंगे ये करते क्या है। अगले दिन राज थानेदार और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुंचते हैं और छुप कर देखते हैं। सब लोग फोन पर बात कर रहे होते हैं। सर, मैं सीमा आपकी फोन बैंकिंग ऑफिसर बात कर रही हूँ। सर, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। सर, आप बैंक के बहुत ही बहुमूल्य कस्टमर हैं, इसलिए बैंक आपको एक गिफ्ट दे रहा है। सर, आप अपने बैंक के 16 अंकों का डेबिट कार्ड बताइए। पकड़ो इन्हें। सभी आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पूरा बैंक खोल रखा था तुमने, अब थाने में बताता हूँ तुम्हें अपना डेबिट कार्ड नंबर। थानेदार सबको थाने लेके जाता है। राज अपने दोस्त राहुल को फोन करता है और पूरी घटना बताता है और भरोसा देता है कि उसके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हमें कभी अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछता है। भूतनी का बदला। अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था, जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहां मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय, अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। हाय। गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया, इसकी किससे दुश्मनी थी, कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर दो दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन मरोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है, ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है, गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। सरपंच के कहने पर पहाड़ी वाले अघोरी को गांव में बुलाया गया। महाराज, आप तो जानते हैं कि आजकल गांव में क्या अनर्थ हो रहा है, रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम भ्रीम 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 क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी, पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी, अपने नाश के लिए?
मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता, तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सब के सब पापी हैं। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सब की वजह से बनी हूँ। इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था। जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी। इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई। मेरे ससुराल वाले डर गए। गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूँ। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी। मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा इस दुनिया से आजाद हो जाना ही सही होगा। अघोरी ने कला को मुक्ति दिलवाने की पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही अघोरी की पूजा समाप्त हुई, भूतनी धीरे धीरे आकाश में समा गई। अघोरी की वजह से कला को मुक्ति मिल गई और गांव वालों की भी जिंदगी बच गई। विष्णु ने बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी करने के बाद रमा राव को ज्वाइन किया। रमा राव एक फेमस साइंटिस्ट थे। विष्णु, ये रिसर्च दुनिया में तहलका मचा देगी। जी सर, और मैं लकी हूँ जो मैं आपके इस रिसर्च का पार्ट बन सका। विष्णु और रमा राव दोनों किसी वायरस की खोज कर रहे थे। लगभग 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद We did it, विष्णु। हाँ सर, हमने इस वायरस की खोज कर ली है, अब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। नहीं विष्णु, सिर्फ वायरस की खोज से नहीं बल्कि हमें इसका एंटीडोट भी बनाना होगा। एंटीडोट? ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो महामारी बन सकता है। हम इसे तभी दुनिया के सामने लाएंगे जब हमारे पास इसका एंटीडोट होगा। तब तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, है ना सर? हाँ विष्णु, बहुत फेमस। लेकिन अब इस वायरस का नाम क्या रखेंगे? कोरोना कैसा रहेगा सर? बहुत अच्छे, आज से हम इसे कोरोना वायरस बोलेंगे। विष्णु ये सोचकर खुश था कि अब बहुत कम समय बचा है उसके फेमस बनने में। इस रात विष्णु अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी से मिला। फाइनली हमने वो कोरोना वायरस बना ही लिया। तुम पहले ऐसे इंसान होगी जो बीमारी का इलाज करके खुश हो रहे हो। लोग यहाँ बीमारियों से भाग रहे हैं और एक तुम हो
हम इसका एंटीडोट भी तो बना रहे हैं, मतलब बीमारी और इलाज दोनों एक साथ। पर इससे फायदा क्या होगा? इससे मैं और सर दोनों फेमस हो जाएंगे और तुम एक फेमस साइंटिस्ट की वाइफ बन जाओगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो बुद्धू विष्णु की वाइफ बनना है। मैं बुद्धू? अच्छा रुको, तुम्हें बताता हूँ मैं, रुको। फिर अगले 6 महीने विष्णु और रामाराव ने एंटीडोट बनाने में लगा दिए। सर शायद मैंने एंटीडोट बना लिया है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। यस यस। रामाराव ने वो एंटीडोट वायरस पे डाला और वायरस मर गया। ओह माय गुडनेस, विष्णु यू आर ग्रेट, फाइनली एंटीडोट बन गया। यू आर टू गुड, ऑसम विष्णु, ऑसम। सर अब हम फेमस बन जाएंगे, है ना? फेमस नहीं बल्कि बहुत अमीर भी। अमीर कैसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं ये वायरस और एंटीडोट सिर्फ फेमस बनने के लिए बना रहा था? मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। और यू नो विष्णु, एक बार ये वायरस फैल जाएगा तो इसके एंटीडोट के लिए हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पर इससे लोगों का बहुत नुकसान होगा सर। पर हमारा बेनिफिट होगा, वैसे भी हमें अपना सोचना चाहिए। एंड नाउ यू कंटिन्यू विद दिस एंटीडोट, हमें ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगेगा। विष्णु रामाराव के ऑर्डर फॉलो करने लगा, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो गलत है, लोग फिजूल में ही मारे जाएंगे। सर पैसों के लिए कितने लोगों की जान का नुकसान कर देंगे। उस रात विष्णु अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी को मिला और उससे सारी बात बता दी। पर ये तो गलत है ना? हाँ, मैं सर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। ये फाइल अपने पास रखो, अगर मुझे कुछ हो गया और ये वायरस फैल गया तो ये फाइल सीधा गवर्नमेंट लेबोरेटरी के हेड को दे देना, वो सब कुछ समझ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। अगले दिन विष्णु वापस लैब गया और उसने रामाराव को समझाने की कोशिश की, पर रामाराव की नजरों में लालच भरा था। रामाराव ने विष्णु को गोली मार दी और फिर वो वायरस रामाराव ने एक आवारा कुत्ते को इंजेक्ट कर दिया। अगले ही दिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर रामाराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनाउंस किया, मैंने इस क्रोमा वायरस का एंटीडोट बना दिया, अब जल्द ही सभी मरीज ठीक हो जाएंगे। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लक्ष्मी ने देख लिया, उसे समझ आ गया कि रामाराव ने ही वायरस फैलाया है। लक्ष्मी अपने घर गई और उसने विष्णु की फाइल ढूंढी। फिर लक्ष्मी सीधे गवर्नमेंट लेबोरेटरी गई और वहां एक हेड साइंटिस्ट को ये फाइल दे दी। तुम्हें ये फाइल कैसे मिली? सर मेरे बॉयफ्रेंड विष्णु रामाराव के साथ काम करते थे, रामाराव ने ही ये वायरस बनाया ताकि वो पैसे कमा सके। विष्णु ने इस वायरस का एंटीडोट बनाया था, लेकिन विष्णु को रामाराव की खराब नीयत का पता चल गया था। अब विष्णु कहाँ है? शायद जिंदा ना हो। हेड साइंटिस्ट ने अपने सारे साइंटिस्टों को वो फाइल पढ़कर एंटीडोट बनाने को बोल दिया। सभी लोग एंटीडोट्स बनाने लगे और फिर हेड साइंटिस्ट पुलिस को रामाराव की लेबोरेटरी में ले गया। पुलिस ने रामाराव को अरेस्ट कर लिया और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन छपी, फरिश्ता निकला शैतान।